आज के हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है इंजन फ्लश। जैसा कि आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न उठता ही होगा इंजन फ्लश, और आपने कई जगह वीडियो देखे होंगे या कहीं सुना होगा, क्या हमें इंजन फ्लश करना चाहिए? कोई पेट्रोल से करता है, कोई डीजल से करता है, कोई किसी से, या कोई इंजन फ्लश डाल के करता है। तो उसी पर ये आधारित ये वीडियो है, और इसको पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल गैरेज 209 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक छोटे से टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा इंजन को फ्लश करना चाहिए। अभी हमारे पास में जो बाइक है इसके इंजन ऑयल को तो हमने ड्रेन कर लिया है। अब इसके इंजन ऑयल को हम निकालने के बाद में इसमें डीजल डालेंगे आधा लीटर, और इसको फ्लश करके देखेंगे क्या होता है। अभी मैं इसके ड्रेन प्लग को खोलता हूँ। इसमें से जो भी हमने ऑयल था पहले ही ड्रेन कर लिया था, और ये जो भी है निकल जाएगा। वापस इसको लॉक करेंगे, फिर इसमें डालेंगे आधा लीटर डीजल। जैसा कि इंजन ऑयल निकलना बिल्कुल कम हो चुका है, अब इसकी ड्रेन प्लग को वापस लॉक करते हैं। अब इसको मैं लोड पे ले लूँगा, फिर आपको डीजल डाल के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने इस कंटेनर में निकला हुआ है डीजल ही है। अब इसको डालते हैं इंजन में, और इसी तरह से मैं 5 बार डालूंगा, 500 ml हो जाएगा। वापस 100 ml जा रहा है इसमें। जैसा कि हमने इसके अंदर डीजल को डाल दिया है, डीजल को खाली 500 ml डाला है। अभी मैं इस गेज को डाल के दिखाता हूँ, इसमें टच नहीं हो रहा होगा क्योंकि इतना नहीं डालना है हमें, क्योंकि अंदर से क्लीन करना है। आप देख पा रहे हो तो कोई डीजल टच होकर नहीं आ रहा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमें क्या करना है, डीजल डाल दिया है इंजन के अंदर, अब इस बाइक को स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो सर्कुलेशन तो बढ़िया होगा, पर स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना है, इग्निशन स्विच को ऑफ करना है, और इस किक को 10 से 15 बार प्रेस करना है ताकि ये रोटेशन हो इसके अंदर, सारे गियर क्लच प्लेट जो भी पार्ट्स है इसके अंदर मूवेबल इंजन के अंदर, और फिर जो भी उनकी गंदगी होगी फिर देखते हैं क्या क्या निकलता है। अब हम इसको किक मारने वाले हैं। इसके इग्निशन स्विच को ऑफ करके चाबी को रख देते हैं जेब में। जैसा कि हमने बाइक में किक तो मारी ली थी 10-20 बार, अब हम इसमें गियर डालेंगे, क्लच दबाएंगे, और फिर इसके पहिए को घुमाएंगे ताकि क्रैंकशाफ्ट नहीं घूमेगी और हमारा गियर बॉक्स पूरा घूमेगा। उससे क्या होगा, और भी कुछ मटेरियल होंगे क्लच प्लेटों में जो लग रहा होगा वो भी निकल जाएगा।
जैसा कि आपने देख लिया है, हमने इसमें गियर में डाल के क्लच दबा के भी पहिए को घुमा लिया है, किक भी मार लिया है। अब इसके चैम्बर नट को खोलते हैं, फिर देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। जैसा कि आपने देखा ही था, गाड़ी के इंजन से जो ड्रेन हो रहा था डीजल, वो वही है, उसको हमने ड्रेन आउट कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें जो आपको कलर दिख रहा है, और जब हमने उस बाइक में जो डीजल डाला था उसका कलर ये है, वो इस तरीके से था, और अभी ये आपको दिख रहा है, ये डीजल ही है, ऑयल नहीं है। अब इसको डालने से क्या हुआ, उस इंजन के अंदर जो भी ऑयल के जो पार्टिकल जो जमे रहते हैं वो सारे इसके साथ में आ चुके हैं। और हमने सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात आपको बता देते हैं, ऐसा क्यों करा, क्योंकि ऐसा कभी करना नहीं है किसी भी बाइक में, चाहे वो न्यू बाइक हो या ओल्ड हो। क्योंकि ऐसा जब भी हम करते हैं, जैसा कि हमने इसमें 500 ml डीजल डाला था, अभी हमने जो भी निकाला है वो पूरा 500 ml नहीं निकला, और ऐसा कभी निकलता भी नहीं है। कहीं कहीं इंजन के अंदर ऐसे कई कई ऐसे पार्ट बने होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं तो वो जमा हो ही जाता है, वापस हम नया इंजन ऑयल डालेंगे तो वापस वो बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमने इसलिए करा क्योंकि इस बाइक के इंजन को कंप्लीट करना था, वापस इसमें क्या पिस्टन रिंग है सारी चीज़ें को काम करना है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट इस बाइक के साथ में कर ही लेते हैं, क्या होता है और क्या ये उस अशुद्धियों को साफ करता है या नहीं करता है। और आपको ये दिखाने का कारण ये था कि चलो हम ये एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे हैं, क्यों ना आपको भी दिखा दें। और आपके मन में किसी भी तरह के जो भी क्वेश्चन या किसी तरह के कोई भी नए नए जो एक्सपेरिमेंट आते हैं कि इसमें और कुछ करना चाहिए या इंजन फ्लश डालना चाहिए, जो भी है, तो आप हमें कमेंट करें और बताते रहें, तो हम आपके लिए एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। आपको अपनी बाइक में नहीं करना है ऐसा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और आपका जो कीमती सुझाव है उसको कमेंट बॉक्स में देते रहें। और जिस तरह से आप हमारे चैनल के साथ में जो साथ बनाए हुए हो उसी तरह से आगे भी बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।